चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को भगवान चित्रगुप्त प्रगट उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि कायस्थ विकास परिषद के केंद्रीय कार्यालय नियामक चक बाबीना रोड से भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा के नेतृत्व में निकाली गई। केंद्रीय कार्यालय पर फूलों से सजे दत्त पर भगवान की पूजा अर्चना कायस्थ कुलदीप को की। मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा, संरक्षक अतुल, बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र द्वारा आरती पूजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर सुधीर, डॉक्टर शोभित, डॉक्टर मंगलेश, मनीष सिन्हा, शशिबाला श्रीवास्तव, उमा सिन्हा, डॉक्टर रीता वर्मा, रीता देवी, नर्मदा श्रीवास्तव आदि द्वारा भव्य जय घोष एवं पुष्प वर्षा द्वारा यात्रा मार्ग का शुभारंभ किया गया। यात्रा के सभी मार्गों पर नगरवासियों द्वारा भक्तिपूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत होकर पुष्प वर्षा किया गया। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए शोभा यात्रा के आयोजक वैद्य राजीव सिन्हा, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव और भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन ने कहा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
भैया एक पूजा पठन स्वागत करिए। यहाँ रवि किशन एक नेता नहीं, यहाँ रवि किशन नाम है। रवि किशन जी यहाँ एक कलाकार के रूप में रवि किशन जी की उपस्थिति हम सभी के बीच भगवान चित्रगुप्त जी के प्राकट्य उत्सव के अवसर पर। जय हो, जय हो, जय हो। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी अगर हमारे बीच में हो कृपया पत्रिका आने का कष्ट करें। धर्मेंद्र भैया कहाँ है? चित्रगुप्त जी की इकाई समाज परिषद जन रथ यात्रा निकलने वा हमरा के इतना अच्छा लगा था हम कहा बताए। जितना भी माता जी भैया लोग हमरा के देखत आ रहे, हम एगो चौकीदार के रूप में जाए नहीं, मोदी जी के चौकीदार, योगी जी के चौकीदार, बारक बाबा गोरक्षनाथ जी के चौकीदार। ठीक बा, आप लोगों के स्वागत अभिनंदन एक बेर बोली जय हो, जय हो। हिंदू धर्म में प्रथम मास चैत्र मास होता है, जिसे चित्र मास कहा जाता था, अपभ्रंश होके चैत्र हो गया। इस माह के पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी की काया से भगवान चित्रगुप्त जी प्रकट हुए। ये ब्रह्मा शिव और इंद्र के समान शक्तिशाली देव हैं। इस मृत्युलोक के केवल कायस्थ समाज के देवता नहीं हैं, वरन समस्त प्राणियों के देवता हैं भगवान चित्रगुप्त, जिनका प्रकट उत्सव पूरे देश में कायस्थ विकास परिषद धूमधाम से मनाता है। 1990 से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। 10 वर्षों से पूरे राष्ट्र में चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन इस तरह का आयोजन होता रहता है। भगवान चित्रगुप्त जी का आज प्रकाटोत्सव का उत्सव आज के अवसर पे कायस्थ विकास परिषद के द्वारा जो ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है विभिन्न मार्गों से होकर भगवान जो चित्रगुप्त जी का हमारा माता वहाँ जो मंदिर है उस मंदिर में भी आरती होते विभिन्न मार्गों से होकर के। और कायस्थ समाज ही नहीं, ये लेखनी यानी जिसने कलम पकड़ लिया और जिसने कलम से लिख लिया वो सभी चित्रगुप्त जी के वंशज हैं, ऐसा संदेश हम लोगों ने देने का काम किया है। आज के अवसर पर यहाँ सभी समाज के लोग एकत्रित होकर के, विशेष तौर पर कायस्थ समाज के लोग एकत्रित होकर के भगवान चित्रगुप्त जी के यहाँ पूजन अर्चन किए हैं, आरती किए हैं और विभिन्न शोभा यात्रा निकालते हुए और विभिन्न मार्गों से होते हुए फिर आकर के यहाँ समापन करेंगे। हम सभी आज हनुमान जयंती भी है, इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ। उन्हें ये 7 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है, इसके पूर्व में पूजन अर्चन होते थे, अब ये यात्रा निकाल करके और सब उस समाज को लेकर पूजा अर्चन करते हैं। ऐतिहासिक क्या लगता है कि आप गोरक्षनाथ की धरती में जीत होती है, गोरक्षनाथ की धरती में इस बार ऐतिहासिक जीत है।